सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फाइल हैंडलिंग का है C++ लैंग्वेज के अंदर। फाइल हैंडलिंग के अंदर हम करेंगे क्या बेसिकली, बहुत अभी तक जितने भी हमने प्रोग्राम्स बनाए उन सब में हमारा डेटा हमारा वेरिएबल्स के अंदर पड़ा होता है, और वेरिएबल्स के अंदर डेटा तब तक पड़ा है जब तक आपका प्रोग्राम रनिंग पर, भाई हमने सम के अंदर दो नंबर का एडिशन करा तो वो जो एडिशन का रिजल्ट आया था वो हमारे पास कब तक पड़ा, जब तक आपका प्रोग्राम रनिंग पर है। प्रोग्राम खत्म तो वो डेटा भी लॉस्ट है, मतलब मैं उस एडिशन को कभी बाद में नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम रन करने पर या कभी भी देखना चाहो कि यार कल एडिशन निकाला था क्या था, वो नहीं देख पाऊंगा कि वो डेटा परमानेंट नहीं था, वेरिएबल्स के अंदर था। वेरिएबल्स तब तक एग्जिस्ट कर रहे हैं जब तक प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है। सो अगर हम चाहते हैं कि ये डेटा हम स्टोर कर सके कहीं पर ताकि हम इस डेटा को बाद में भी प्रोसेस कर सके कुछ भी काम के लिए करने के लिए, तो हम इसके लिए फाइल्स यूज करेंगे। C++ ने डेटा स्टोर करने के लिए जो कंसेप्ट हमें दे रखा है दैट इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग से हमारा मतलब यह है कि आप किसी एक्सटर्नल फाइल में डेटा रीड और राइट के क्या कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, दैट इज कॉल्ड हैंडलिंग। फाइल को किस तरह से हम हैंडल करेंगे, उस फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, अपना डेटा स्टोर करेंगे या रिट्रीव करेंगे, सर्च करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो जो भी डेटा अगर मेरे पास अभी मेरे किसी वेरिएबल में पड़ा है, मुझे लगता है मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, शायद मुझे इसकी अभी नहीं कल भी जरूरत पड़ सकती है, तो मैं इस डेटा को एक एक्सटर्नल फाइल में थ्रू C++ स्टोर कर दूं और जब जरूरत पड़ेगी उस एक्सटर्नल फाइल से डेटा के रिट्रीव कर लें। सो फाइल हैंडलिंग के अंदर हम यही देख रहे हैं कि वो एक्सटर्नल फाइल जो हम प्रोग्रामिंग में अलग से बना रहे हैं उसे रीड राइट या उसके ऊपर बाकी ऑपरेशंस जो भी हैं हम किस तरह से करेंगे। C++ ने इस तरह की प्रोग्राम्स को डील करने के लिए आपको तीन नई क्लासेस बनी बनाई दी। अब तक हमने क्लासेस खुद बनाई थी, दो बनी बनाई क्लासेस हमने पढ़ी थी सिर्फ, कॉल्ड आई स्ट्रीम एंड ऑ स्ट्रीम, जिनके ऑब्जेक्ट्स हमारे पास थे कॉल्ड सी इन एंड वॉट सी आउट, हमने उनका डायरेक्टली यूज कर लिया था ऑब्जेक्ट्स का। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर तीन डिफरेंट क्लासेस हैं कॉल्ड एफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम एंड ऑफ स्ट्रीम। ये तीन डिफरेंट स्ट्रीम है। स्ट्रीम का बेसिकली मतलब होता है पाथ फॉर द फ्लो ऑफ डेटा, डेटा के फ्लो के लिए हम एक पाथ बना रहे हैं। फिलहाल ये हम पाथ बना रहे हैं किसके बीच में, अपने प्रोग्राम और अपनी फाइल के बीच में पाथ बना रहे हैं कि हाउ डू वी गेट डेटा फ्रॉम फाइल इनटू आवर प्रोग्राम, या फिर हम अपना प्रोग्राम का डेटा फाइल में कैसे राइट करेंगे या अपेंड चेंजेस किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए तीन स्ट्रीम्स हमारे पास डिफाइन है और इस तीन स्ट्रीम के लिए अलग से मुझे हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी है एफ स्ट्रीम। सो अभी तक हम आईओ स्ट्रीम कर रहे थे, एक और एक्स्ट्रा आ जाएगी कॉल्ड एफ स्ट्रीम। तीन क्लासेस प्री डिफाइन है मेरे पास, एफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम, और इनका इंटेंडेड पर्पस डिफाइन है कि अगर आपने किसी फाइल से डेटा सिर्फ रीड करना है यूज आई स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम। अगर आपने फाइल में डेटा राइट करना है यूज ऑफ स्ट्रीम, और एफ स्ट्रीम वो क्लास होगी जो दोनों को इनहेरिट कर रही है, मतलब यूजिंग एफ स्ट्रीम यू कैन रीड एज वेल एज व्हाट राइट डेटा, दोनों काम में आते हैं। इफ स्ट्रीम का मतलब होगा कि आप रीड ही कर पाओगे, राइट नहीं कर सकते। ऑफ स्ट्रीम का मतलब आप राइट ही कर पाओगे, रीड नहीं कर पाओगे, बट अगर आप एफ स्ट्रीम का यूज कर रहे हो तो आप दोनों ऑपरेशंस रीड और राइट परफॉर्म कर सकते हो। तो तीन क्लासेस हमारे पास है। नाउ किसी भी फाइल पे कुछ भी काम करना, आपने एक फाइल है उस पर रीड राइट के ऑपरेशन या कुछ भी काम करना है, तो हमने इस पूरे काम को तीन स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है कि सबसे पहला काम फाइल हैंडलिंग का, आप फाइल को ओपन करो। अब नॉर्मली कंपाइलर में हमें कोई प्रोग्राम ओपन करना होता है तो हम फाइल में ओपन में जाके प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं, बट यहाँ तो हमें प्रोग्राम के थ्रू ओपन करना है, मतलब हमारा प्रोग्राम में कोड राइट होगा कि हम किसी फाइल को मेमोरी में क्या करें, लोड करें। ओपन मतलब फाइल सामने नहीं दिखाने, ओपन करने का मतलब ये है कि जिस भी फाइल पर आप काम करना चाहते हो, जो भी काम करना चाहते हो, सबसे पहला टास्क उस फाइल को कहाँ लोड करो, मेमोरी पर लोड करो। फिर आपको उसके अगेंस्ट क्या मिलेगा, पॉइंटर मिलेगा। आप पॉइंटर में जो काम करोगे वो एग्जैक्टली कहाँ होगा, फाइल पर होगा। तो आप जो भी काम फाइल पे करोगे, फाइल पे नहीं करोगे, कहाँ करोगे, मेमोरी पे करोगे। तो सबसे पहला टास्क हो गया कि आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी भी फाइल के ऊपर, तो मुझे कोड राइट करना है जिसके थ्रू मैं उस फाइल को मेमोरी में ला सकूं
और मेरे पास एक पॉइंटर हो जो उसे पॉइंट कर रहा हो, ताकि मैं उस पॉइंटर के थ्रू उस फाइल के ऊपर सारे ऑपरेशन कर पाऊँ। सो पहला स्टेप फाइल को ओपन करना, हम इस स्टेप को सिंप्लीफाई कहेंगे तो ये कहेंगे दैट इज लोडिंग द फाइल इन टू मेमरी, हमें फाइल को मेमरी में डालना। फिर आता है ऑपरेशंस, कि फाइल अगर मेमोरी पर आ चुकी है तो आप उस मेमोरी पे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, चाहे रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, कोई रिकॉर्ड्स अपडेट करना है, किसी को सर्च करना है, एनीथिंग। जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो, सारे ऑपरेशंस फाइल पे नहीं हो रहे, मेमोरी पर हो रहे। सारा टास्क खत्म होने के बाद हम थर्ड स्टेप में फाइल को प्रॉपरली क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोजिंग का बेसिकली मतलब क्या है, डीलोडिंग द फाइल फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से फाइल को हटा दो। बट इससे पहले जो ऑपरेशन करो वो क्या है, सेविंग द कंटेंट। मतलब आपने फाइल मेमोरी में लोड कर दी थी, अब आपने मेमोरी में बहुत सारे चेंजेस किए, तो जब मैं क्लोज करूंगा तो ये चेंजेस फाइल में राइट होंगे और फाइल मेमोरी से क्या है, डीलोड हो जाए। इट इज लाइक आवर ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने विंडोज स्टार्ट की है तो हम चाहते हैं विंडो एब्रप्टली बंद ना करें, प्रॉपरली शट डाउन करें। शट डाउन से क्या एडवांटेज है, कि जो फाइल्स मेमोरी में आई थी और जो हमने चेंजेस किए थे वो सारे सेव हो, प्रॉपरली फाइल क्या बंद हो। अगर एब्रप्टली बंद होता है तो क्या होता है, एक तो जैसे मैंने कोई फाइल खोली हुई है और सिस्टम एब्रप्टली बंद हो गया, सेव किया नहीं था मैंने चेंजेस, तो क्या होगा, वो चेंजेस तो आपके सेव रहे नहीं। तो पहला पॉइंट तो यहाँ कि आपके चेंजेस सेव नहीं होते। और दूसरा हम ये मान देखते हैं, हमें पता है कि फाइल अगर ओपन है, कर रखी है हमने, विंडोज जैसे चल रही है, विंडोज अगर 4-5 बारी अब्रप्टली क्लोज होगी तो क्या होगा, विंडो करप्ट हो जाए। इसका मतलब फाइल्स जो मेमोरी पर लोड हुई हैं, अगर वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होती तो फाइल्स करप्ट हो जाएंगी, क्योंकि फाइल डायरेक्टली किससे लिंक्ड है, मेमोरी से लिंक्ड है, फाइल मेमोरी में ओपन है, बट आप फाइल को बंद करना भूल गए, अब्रप्टली बंद हो गया, तो फाइल का जो लिंक था उसकी वजह से फाइल करप्ट हो सकती है। सो इम्पॉर्टेंट है, सारे ऑपरेशंस करो, बट सारे ऑपरेशन करने के बाद फाइल को क्लोज करो। क्लोज में दो काम होंगे, फाइल के कंटेंट सेव होंगे और फाइल मेमोरी से क्या होगी, डीलोड होगी। तो तीन बेसिक ऑपरेशन फाइल हैंडलिंग के अंदर हर फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम में हम करेंगे, कि पहले फाइल को ओपन करें, ऑपरेशन परफॉर्म करें और फिर फाइल को क्या करें, बंद करें। अब सबसे पहला ऑपरेशन हमारा था ओपन अ फाइल, किसी भी फाइल पे काम करना है उसमें कुछ भी करने के लिए, तो सबसे पहला काम है फाइल को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास क्लासेस गिवन है, आई स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम एंड ऑफ स्ट्रीम। आपने डिसाइड करना है कि आप फाइल पे क्या काम करना चाहते हो, वो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास का यूज करो। अगर आप फाइल को रीडिंग मोड के लिए ओपन करना चाहते हो, इफ स्ट्रीम का यूज कर लो। अगर आप राइटिंग मोड करने के लिए यूज करना चाहते हो, ऑफ स्ट्रीम क्लास का यूज करो। दोनों ही काम करना है तो एफ स्ट्रीम क्लास का यूज करो। अब यूज करने का मतलब वो क्लासेस है, और क्लासेस को यूज करने के लिए उनके क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट से बनते हैं। सो मतलब मुझे जिस भी क्लास का यूज करना है, मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ। अब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट मैं जब करूंगा तो मुझे बताना होगा ना कि मैं इफ स्ट्रीम क्लास के थ्रू क्या करना चाहता हूँ, किसी फाइल को रीडिंग मोड में खोलना चाहता हूँ, तो मुझे फाइल का नाम देना होगा कि भैया मुझे इस फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करना है। तो फाइल ओपन करने के दो मेथड हमारे पास है। पहला मेथड है कंस्ट्रक्टर मेथड। इसका मतलब है जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पैरामीटर के थ्रू आप क्या डिफाइन करोगे, ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप क्या दोगे, पैरामीटर्स, जिनके थ्रू वो फाइल ओपन करेगा। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है, यानी जब मैं इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा तो इन क्लासेस के पास कुछ कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन है, जिसके थ्रू मैं डिफाइन कर पाऊंगा कि मुझे कौन सी फाइल ओपन करवानी। हर क्लास, तीनों क्लास के पास एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, ब्रैकेट में क्या आएगा, फाइल टू ओपन एंड द ओपनिंग मोड। अब इसमें क्लास का नाम तो हो गया, आप जो सी क्लास यूज करना चाहते हो, इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम और व्हाट एफ स्ट्रीम, जिस भी क्लास का आप यूज करना चाह रहे हो उस क्लास का नाम। ऑब्जेक्ट हम ऐसे बनाते हैं, आगे क्या आता है, ऑब्जेक्ट का नाम, ये नाम एक वेरिएबल का हो गया जो आप रखना चाहते हो। This is basically a handler to what your file. आपकी फाइल जब मेमोरी पर आएगी तो आप उस फाइल पे काम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू करोगे। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी काम आप करोगे, रीड या राइट, वो डायरेक्टली क्या होगा, फाइल पर होगा। सो ऑब्जेक्ट का नाम एक वेरिएबल का नाम है, एक हैंडलर हो गया जो बेसिकली हम बना रहे हैं कि फाइल जब ओपन हो जाएगी हम इस पे काम यहाँ करेंगे। थर्ड इज वॉट, फाइल टू ओपन। अब स्ट्रिंग फॉर्मेट है यहाँ पर, डबल कोट्स के अंदर हम फाइल का नाम देंगे कि किस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं।
फाइल हैंडलिंग के अंदर हम नॉर्मली फाइल्स पे काम करेंगे, टेक्स्ट फाइल के ऊपर, मतलब जिनके अंदर टेक्स्ट मैटर में डेटा पड़ा हुआ है या बाइनरी मैटर में डेटा पड़ा हुआ है लेकिन वो हमने राइट किया हुआ। मतलब अगर मैं ये सोचूं कि मैं किसी फोटोग्राफ को रीड कर लूंगा तो फोटोग्राफ के अंदर जो कंटेंट होता है ना वो रीडेबल नहीं होता, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू हम ओपन करते हैं उसे, लाइक आपका फोटोशॉप हो गया, आपका पेंट ब्रश हो गया, कि फोटोग्राफ्स वहीं खुलेंगे। हम यहाँ पर बात करें, अगर मैं सिंप्लीफाइड करूँ तो आई विल से वो सारी फाइल्स जो आप नोट पैड में ओपन कर पाओगे, जिसके कंटेंट्स आपको नोट पैड में अपीयर हो रहे हैं विजिबली, आप उन्हें यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। और एल्स आगे आप देखोगे बाइंड्री फाइल जिनके कंटेंट्स नोट पैड में रीडेबल नहीं है, हम वो भी रीड कर पाएंगे, बट वो फाइल्स फिर बनाई भी किसने, सी प्लस एस ने बनाई, हम उस तरह की फाइल्स को ओपन कर पाएंगे, उसका नाम देना। अब ये तो गया कि हमने क्लास बता दी, ऑब्जेक्ट का नाम बता दिया, फाइल बता दिया कौन सी ओपन करनी है। अब ओपनिंग मोड होता है कि आप इस फाइल को किस पर्पस के लिए ओपन करना चाहते हो, बहुत सारे पर्पस हैं, या इन आउट एपीपी एटीई ट्रंकेट, बहुत सारे मोड्स हैं, मैं बताऊंगा अभी। ये सारे मोड्स हमारे एक क्लास के अंदर डिफाइन है जिसका नाम iOS है, so we have another class called iOS। इस क्लास के अंदर ये सारे मोड डिफाइन है, और वो कैसे डिफाइन है, एज अ पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक मतलब क्लास के अंदर ये सारे वेरिएबल्स डिफाइन है, पब्लिक है तो आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली। अब हमें अभी तक ये बताया कि अगर क्लास के अंदर कोई पब्लिक वेरिएबल पड़ा है, ऑब्जेक्ट बनाओ और उसे कॉल करो, बट यहां पर उन वेरिएबल्स को हमने क्या डिफाइन कर रखा है, स्टैटिक डिफाइन कर रखा है। अगर क्लास के अंदर कोई वेरिएबल या फंक्शन स्टैटिक हो तो उसको यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं होती, डायरेक्टली क्या लिखा जाता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। सो आई विल राइट क्लास नेम iOS, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड वेरिएबल। ये पॉसिबल हुआ पहला कि ये सारे वेरिएबल्स पब्लिक डिफाइन है, दूसरा ये सारे वेरिएबल्स क्या डिफाइन है, स्टैटिक डिफाइन। तो स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। सो ओपनिंग मोड की बात हो रही थी, अगर मैं ओपनिंग मोड की बात करूं तो बेसिक ओपनिंग मोड तीन है हमारे पास, इन आउट एंड एपीपी। इन्हें यूज करने के लिए आप क्या लिखोगे, iOS scope in, iOS scope out and iOS scope what app। ओपनिंग मोड में इस जगह पर हमारे पास इनमें से पैरामीटर आएंगे। सो ओपनिंग मोड फाइल टू ओपन में तो मैं डबल कोट्स में फाइल का नाम दे दूंगा, बट ओपनिंग मोड में मैं क्या लिखूंगा, iOS in out and what app, तीनों में से कोई एक। नाउ इनका मतलब है फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करेगा, आउट फाइल को राइटिंग मोड में ओपन करेगा, एपीपी फाइल को अपेंड मोड में। अपेंड फर्क देखो क्या है, आप एक फाइल ओपन कर रहे हो तो सिनारियो आता है कि वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है या वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर मैं एक फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करता हूं और अगर वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो इस फाइल को वो ओपन कर देगा, मतलब मेमोरी पे लोड कर देगा। बट आप जिस फाइल को ओपन कर रहे हो रीडिंग मोड में और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर मेमोरी में कुछ लोड नहीं होगा, तो आपके पॉइंटर में क्या आएगा, नल आ जाएगा। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें नॉर्मली क्या पड़ा होगा, एड्रेस उस लोकेशन का जहां फाइल मेमोरी पर आ चुकी है, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्या पड़ा होगा, नल। सो अगर मैं किसी फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करता हूं और वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो क्या रिटर्न होगा, नल, अदरवाइज वो फाइल मेमोरी पर लोड हो जाएगी और मेरे पास क्या आ जाएगा, उसका एड्रेस। अब आउट मोड क्या है कि फाइल को राइटिंग मोड में ओपन करना, मतलब आपके पास कुछ डेटा है और आपने फाइल में लिखना है। तो राइटिंग मोड क्या कहता है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, डजंट एग्जिस्ट, तो वो आपके लिए नहीं बना देगा, क्योंकि आपने कुछ डेटा राइट करना, आपके पास डेटा है लिखने के लिए और फाइल है नहीं तो मैं आपके लिए नहीं बना दूंगा। बट इसकी प्रॉब्लम यही है कि अगर फाइल एग्जिस्ट भी कर रही है ना तो भी ये नहीं बनाएगा, मतलब कोई पुरानी फाइल है बनी पड़ी है, आप उसको खोल रहे हो राइटिंग बोर्ड में तो ये उसको डिलीट करके उसकी जगह पर नई फाइल बना दे, सो इट ऑलवेज क्रिएट अ न्यू फाइल, पिछला डेटा खत्म। एपीपी इज कॉल्ड अपेंड मोड, यहां हम अधिकतर यूज करते हैं कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्रिएट करो, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो, यहां पर गलत हो गया, तो अगर फाइल एग्जिस्ट डजंट एग्जिस्ट तो ओपन द फाइल फॉर चेंजेस, दिस वन,
सो फॉर्मेट ये डिफाइन हुआ कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही एबीबी के अंदर आपके लिए नहीं बना देगा, बट अगर कर रही है तो उसी को क्या करेगा, ओपन करेगा ताकि आप उसी में क्या करो, चेंजेस कर पाओ। ये तीन बेसिक मोड, इन तीन बेसिक मोड्स के साथ हम और भी मोड्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। वी हैव बाइनरी, ATE एंड ट्रंक, ये इनके साथ में यूज होंगे। मल्टीपल मोड यूज करने के लिए हम और सिंबल का यूज करेंगे, सिंगल और, मतलब आई विल राइट IOS इन और IOS व्हाट ATE। अब मतलब क्या है इनका, ट्रंक का मतलब है ट्रंकेट, मतलब एपीपी के साथ अगर मैं ट्रंकेट लगा दूंगा तो वो एक तरह से आउट का काम करेगा, क्योंकि ट्रंकेट का मतलब है पुरानी फाइल अगर एग्जिस्ट करती है डिलीट करके नहीं बना दूंगा। ATE का मतलब है फाइल को रीडिंग मोड या राइटिंग मोड जहां से मर्जी ओपन करो, बट ओपन होने के बाद फाइल के अंदर एक होता है पॉइंटर कि कर्सर कहां पर पड़ा हो, ये कर्सर उसको कहां ले आएगा, बिल्कुल लास्ट पे ले आएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं फाइल को इन मोड के साथ ATE लगाता हूं तो फाइल के अंदर का जो मेरा कर्सर होगा वो कहां पर पड़ेगा, एंड ऑफ द फाइल में पड़ा होगा। और तीसरा मोड है बाइनरी, बाइनरी का मतलब है फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करेगा। ये मैं आगे बताऊंगा कि नॉर्मली सारा डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखने की बजाय वो बाइनरी फॉर्मेट में राइट करेगा। अब ये तो हो गए स्टैंडर्ड मोड। अब जो हमने तीन क्लासेस पढ़ी कॉल्ड इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम एंड एफ स्ट्रीम, इनके साथ डिफॉल्ट ओपनिंग मोड भी डिफाइन, मतलब ये इसमें अगर मैं ओपनिंग मोड ना दूं, यहाँ पर ओपनिंग मोड मैं नहीं देता, ऑब्जेक्ट नेम डायरेक्टली क्या दे दूं, फाइल नेम, और बंद कर दूं, सिंगल पैरामीटर यूज करूं, तो क्लास नेम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इफ स्ट्रीम क्लास का यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ओपनिंग मोड क्या है, इन है। ऑफ स्ट्रीम क्लास में बाय डिफॉल्ट ओपनिंग मोड क्या है, आउट है। और एफ स्ट्रीम में क्या है, इन एंड आउट दोनों। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओपनिंग ऑफ फाइल। अभी अब ओपनिंग ऑफ फाइल का पहला मेथड पढ़ा था विच इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर मेथड, कि ऑब्जेक्ट जब बन रहा है तभी डिफाइन कर दो कौन सी फाइल खोलनी है और कौन से मोड में खोलनी है। अब दूसरा मेथड है हमारे पास यूजिंग अ फंक्शन कॉल्ड ओपन, हमारे पास एक ओपन फंक्शन भी। अब इसका यूज हम कहां करेंगे, सपोज मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया पहले वैसे ही, इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट कुछ भी बना लिया, फाइल ओपन नहीं की, कोई कंसेप्टर यूज नहीं किया, डिफॉल्ट कंसेप्टर का यूज कर दिया, मतलब उस समय मैंने ऑब्जेक्ट तो बना लिया बट वो कौन सी फाइल से अटैच्ड है ये नहीं पता, तो ये हम बाद में भी बता सकते हैं यूजिंग व्हाट ओपन फंक्शन विच टेक द सेम पैरामीटर। तो ऑब्जेक्ट आपने बना लिया तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट कैन ओपन, वही सेम फाइल टू ओपन और व्हाट ओपनिंग मोड। तो हम फाइल को ओपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसी समय कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिफाइन कर दे कि मुझे क्या ओपन करवाना है, और एल्स पहले ऑब्जेक्ट बना लिया और बाद में यूजिंग ओपन फंक्शन क्या है डिफाइन कर दिया कि किस तरह से फंक्शन कौन सी फाइल ओपन करनी। ठीक है, जैसे मैंने इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया fn, जब ऑब्जेक्ट बनाया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया, मैंने कोई फाइल नेम मेंशन नहीं की, बाद में ओपन फंक्शन कॉल करके सेम पैरामीटर के थ्रू बता दिया कौन सी फाइल किस मोड में क्या ओपन करवानी। इस ओपन फंक्शन का हम एक और जगह पर भी यूज करेंगे कि सपोज मैंने इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेथड हमने एक फाइल बताई थी, हमने उस पर काम कर लिया, अब मुझे दूसरी फाइल पे काम करना, या तो मैं नया ऑब्जेक्ट बनाऊं या इसी ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगा दूं ओपन फंक्शन, दूसरी फाइल ओपन, पिछली अपने आप बंद और दूसरी ओपन, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट से मल्टीपल फाइल्स पे काम करना है। अगर साइमल्टेनियसली काम करना है तो आप दो अलग अलग ऑब्जेक्ट से बनाओगे, एक के बाद एक काम करना है कि पहला एक काम कर ले फिर दूसरे पे काम करेंगे, तो फिर हम एक ऑब्जेक्ट एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू ओपन कर लिया, बाद में कोई और फाइल सेम ऑब्जेक्ट का यूज करके ओपन फंक्शन के थ्रू दूसरी फाइल में भी करवा सकते हैं। तो एक ही ऑब्जेक्ट मल्टीपल फाइल्स को ओपन करने के काम आ सकता है यूजिंग ओपन फंक्शन। तो किसी फाइल को ओपन करने के दो तरीके होते हैं, इधर कंस्ट्रक्टर मेथड यूज कर लूं और यूज करूं क्या ओपन फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशंस एंड क्लोजिंग है, क्योंकि हमारे पास सब काम क्या था, फाइल के ऊपर ऑपरेशन करना। भाई आपने इफ स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, अब उस क्लास के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे फंक्शन डिफाइन है रीड राइट करने के, बहुत सारे अलग अलग, लाइक गेट फंक्शन है एक कैरेक्टर गेट करने के लिए, गेट लाइन फंक्शन है लाइन गेट करने के लिए, प्लस उन्होंने ऑपरेटर एक्सट्रैक्शन और इंसर्शन ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर रखा है, तो आप इसके थ्रू भी फाइल से डेटा रीड कर सकते हैं। तो ऑपरेशन हम करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम देखेंगे।
सो बेसिकली हमने फाइल ओपन कर ली, जो भी मेथड्स फंक्शंस अवेलेबल थे उनके थ्रू फाइल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, और फाइनली फाइल को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। हमारा काम खत्म हो गया, हमने जो भी उस पर और ऑपरेशन करने थे हमने बंद कर दिए, कर लिए। तो हम चाहेंगे कि फाइल को प्रॉपरली डीलोड करें ताकि हमारी फाइल ना तो करप्टेड हो और जो हमने चेंजेस किए हैं वो भी उसमें क्या है, सेव हो। सो क्लोजिंग मेथड, मेथड फंक्शन का नाम क्लोज है, क्लोज मेथड इज यूज टू क्लोज अ फंक्शन। तो ये हमारे तीन बेसिक ऑपरेशन हो गए कि हमें क्या करना है, फाइल को ओपन करना है, ठीक है ना, यूजिंग कंस्ट्रक्टर और ओपन मेथड, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करो और फाइल को क्या करो, क्लोज करो। अब प्रोग्राम पहला करने जा रहे हैं, बट उससे पहले दो फंक्शन और है, सीक जी एंड सीक पी। ये दो फंक्शन बहुत यूज होंगे आपके ये फंक्शन। इन फंक्शन का काम क्या है, बेसिकली हमारी फाइल में ना एक कर्सर होता है, इसे हम वर्चुअल कर्सर कहते हैं, मतलब एग्जैक्टली वो पॉइंटर है, वो हमारा किसी पोजीशन पर पड़ा हो। मतलब जैसे हम फाइल खोलते हैं तो हमारा कर्सर बाय डिफॉल्ट कहाँ पड़ा होता है, फाइल के बिगनिंग में पड़ा होता है। नॉर्मली ये कर्सर कहाँ पड़ा होता है, लास्ट, जहां आपने फाइल के ऊपर काम किया हो, जब आपने फाइल को लास्ट बंद किया था वहां पड़ा होता है। वो तो नोट पैड हमारा सॉफ्टवेयर है कि वो ओपन करता है और कर्सर को उठा के डायरेक्टली बिगनिंग में रख देता है। तो ऐसी जिस फाइल पर हमने कभी काम किया या किसी और ने पहले कभी काम किया है, मैं उस फाइल को जब ओपन करूंगा तो मेरा कर्सर कहाँ होगा, लास्ट लोकेशन पर पड़ा होगा। लेकिन अगर मुझे काम करना है उसके ऊपर, मुझे शुरू से लेकर एंड तक का सारा डेटा रीड करना है या करंट लोकेशन के आगे से ही काम करना है, तो उसके लिए मुझे इस कर्सर को रीपोजिशन करना पड़ेगा। इस कर्सर को रीपोजिशन करने के लिए ही हमारे पास दो फंक्शन डिफाइन है, सीक पी एंड सीक जी। ये दो फंक्शन है हमारे पास जिनके थ्रू हम अपनी इस कर्सर को जो फाइल के अंदर है उसको रीपोजिशन करेंगे। नहीं तो क्या होगा, सपोज मैं फाइल का डेटा रीड करना चाह रहा था, मैंने एक फाइल ओपन की, कर्सर पता नहीं कहां पड़ा होगा, तो जब मैं रीड की कमांड दूंगा जहां कर्सर पड़ा है उसके आगे का डेटा रीड करेगा। अगर मुझे सारा डेटा रीड करना है तो मैं चाहूंगा कि मैं फाइल को ओपन करूं, पता नहीं कर्सर कहां पर है, पहले डायरेक्टली वो कहां आ जाए, बिगनिंग ऑफ फाइल पर आ जाए, ताकि जब मैं रीडिंग स्टार्ट करूं तो मुझे पता हो फ्रॉम द बिगनिंग आई एम रीडिंग द फाइल। दो फंक्शन है हमारे पास, सीक पी और सीक जी, दोनों का काम एक ही है, फर्क सिर्फ इतना है इनपुट मोड की फाइल्स के लिए सीक जी है, आउटपुट मोड की फाइल्स के लिए क्या है, सीक पी है। तो अगर आपने फाइल को इफ स्ट्रीम में खोला, रीडिंग करने के लिए खोला है, तो आप सीक जी का यूज करोगे, आपने राइटिंग करने के लिए खोला है तो आप सीक पी का यूज करोगे। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अब सीक जी और सीक पी आपसे क्या मांगेगा, मूवमेंट, पैरामीटर में क्या मांग रहा है, मूवमेंट एंड पोजिशन, भाई कितने बाइट्स आगे पीछे जाना है, पोजिशन कौन सी पोजिशन से जाना है। तो मूवमेंट हो गया कितने बाइट आगे पीछे जाना है, कितने कैरेक्टर्स आगे जाना है पीछे जाना है। आगे जाना है तो पॉजिटिव वैल्यू पास करो, पीछे जाना है तो नेगेटिव वैल्यू पास करो। तो जैसे मैंने लिखा, अगर मूवमेंट की वैल्यू मैं दूं 5, इसका मतलब मैं जहां पोजिशन मैं भी दूंगा 5 कैरेक्टर आगे जाना है। अगर -5, 5 कैरेक्टर गया पीछे आना। और पोजिशन स्पेसिफाई ये करेगा कौन सी पोजिशन से 5 कैरेक्टर आगे या पीछे जाने की बात कर रहे हो। तीन पोजिशन डिफाइन है आपके C++ में, iOS colon big, कर एंड एंड, यानी बिगिनिंग से 5 बाइट आगे पीछे जाना है, करंटली जहां पर कर्सर पड़ा है उससे आगे पीछे जाना है, एंड से आगे जाना। अब इसमें क्या होगा, बिगिनिंग से तो आप हमेशा आगे जाओगे, बिगिनिंग से पीछे होगा ही नहीं, और एंड से हमेशा क्या जाओगे, पीछे ही आओगे, क्योंकि एंड के बाद कुछ नहीं है। करंटली में आप दोनों यूज कर सकते हो, आगे पीछे जहां पर भी मूव कर सकते हो। तो तीन ये हमारे कॉन्स्टेंट्स है, ये हम पोजिशन की जगह पर लिखे। तो मूवमेंट में मैं डिफाइन करूंगा नंबर, और पोजीशन में इन तीनों में से कोई एक पोजीशन डिफाइन करूंगा। लाइक अगर मैं दे रहा हूं, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम fin है, इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो मैं cg का यूज करूंगा, fin ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम cg 5 iOS big कर दिए, पोजीशन iOS big दिए, इसका मतलब कर्सर जहां पर भी पड़ा होगा पहले बिगनिंग पर आ जाएगा और फिर 5 बाइट पॉजिटिव है आगे चला गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि कर्सर पहले बिगनिंग पर आ जाए और फिर 5 कैरेक्टर्स क्या है, आगे मूव कर जाए। ऐसी सीख जी नेक्स्ट में कर लिखकर, तो करंटली जहां पर कर्सर है उससे 5 बाइट क्या है, आगे जाए। अगर लास्ट में मैंने एंड दिए और -5 दिए, तो कर्सर पहले एंड पे जाए और उसके बाद 5 कैरेक्टर क्या है, पीछे आ, ठीक है ना, 5 बाइट से 5 कैरेक्टर कह सकते हो। अब डिफॉल्ट वैल्यू, अगर मैं इस फंक्शन सेकंड पैरामीटर में कुछ नहीं देता, सिर्फ क्या लिख दूं, नंबर ही दे दूं, सीक जी ऑफ 5, तो बाय डिफॉल्ट सेकंड पैरामीटर क्या माना जाता है, बिगनिंग माना जाता है।
इसका मतलब अगर मैं लिखता हूँ एफ इन डॉट सी जी ऑफ जीरो, सेकंड पैरामीटर नहीं दिया, इट इज बाय डिफॉल्ट व्हाट बिगनिंग है। तो जीरो का मतलब ये हो गया, बिगनिंग का मतलब ये हो गया कि कर्सर पहले बिगनिंग पर आएगा और फिर जीरो बाइट आगे जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, कर्सर बिगनिंग पे रहेगा। इसलिए हर बारी जब हम फाइल को ओपन करेंगे और फाइल का सारा डेटा रीड करना चाहते हैं तो हमारी प्रैक्टिस होगी, हमें पता है कि शायद मैं रीड करूं कर्सर बिगनिंग पे ही पढ़ाओ पहले से, लेकिन हमारी प्रैक्टिस होगी कि हम क्या करें, fn.cg अप्लाई कर दे ताकि कर्सर जिस मर्जी पोजीशन पर पढ़ाओ डायरेक्टली कहां पर आ जाए, बिगनिंग पर आ जाए। राइट, अब ये मेरा सिंपल प्रोग्राम है, ये फर्स्ट प्रोग्राम हमारा जो किसी भी फाइल का डेटा यूजर से इनपुट करेगा। हम यूजर से पूछ रहे हैं फाइल का नाम, तो मैं आपसे फाइल का नाम इनपुट करूंगा और उस फाइल में क्या लिखा हुआ है ये मॉनिटर पे प्रिंट करूंगा। मैं फाइल से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा रीड करूंगा और मॉनिटर पे क्या कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप देखना इस प्रोग्राम में क्या है। सबसे पहले हमने मेन स्टार्ट किया, हमें यूजर से फाइल का नाम इनपुट करवाना है ताकि हम ये कह सके कि आपको किस फाइल का डेटा रीड करना है। सो हमारा सिंपल प्रोग्राम है, हम एक फाइल का नाम यूजर से इनपुट करवाएंगे और उस फाइल में क्या कंटेंट है ये मॉनिटर पे प्रिंट करेंगे। तो फाइल से डेटा रीड करके मॉनिटर पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। सो हमने कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया, फाइल नेम साइज ऑफ व्हाट 20। नेक्स्ट हमने एंटर द फाइल नेम, फाइल का नाम यूजर से इनपुट करवा लिया सीन से, हो गया फाइल का नाम हमारे पास आ गया। अब हम फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इफ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया कॉल्ड fn, नाम रखा कुछ भी रखो आप। कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू मैंने फाइल का नाम दे दिया, तो मैंने ऊपर अपने वेरिएबल का नाम दे दिया कि जो भी इस वेरिएबल में फाइल का नाम आएगा हम उसे ओपन करना चाहते हैं। ios colon in मतलब रीडिंग मोड में ओपन करना चाहते हैं। मैं ये इन ना भी लिखूं, मोड ना भी दूं, तो भी बाय डिफॉल्ट क्या है, मोड इन ही माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इफ स्ट्रीम क्लास का यूज कर रहा हूं। अब क्योंकि फाइल का नाम यूजर डाल रहा है तो मुझे एक डाउट है कि यूजर शायद गलत फाइल का नाम भी डाल रहा है, मतलब एक ऐसी फाइल का नाम डाल दे जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इन दैट केस क्या होगा, फाइल ओपन नहीं हो पाएगी क्योंकि रीडिंग मोड में। रीडिंग मोड हमने कहा था कि अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो वो ओपन हो जाएगी, बट अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्या होगा, नल आएगा। तो हर बारी जब हम फाइल को ओपन करेंगे, क्योंकि यूजर से इनपुट करवा रहे हैं फाइल का नाम, गलत भी डाल सकता है, उसने एक्सटेंशन नहीं डाला, गलत भी हो सकता है, तो हम हर बारी फाइल ओपन करने के बाद अपनी एक कंडीशन लगाएं, इफ fn इक्वल्स टू व्हाट नल, मतलब हमने फाइल ओपन करवाई है थ्रू fn, अगर fn की वैल्यू क्या आती है, नल आती है, इसका मतलब फाइल किसी भी रीजन की वजह से ओपन नहीं हो पाई तो हम यूजर को प्रॉपर मैसेज दें नो सच फाइल, और प्रोग्राम यहीं से क्या करे, एग्जिट कर, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का काम है फाइल का कंटेंट रीड करना, यूजर ने एक ऐसी फाइल दे दी जो एग्जिस्ट ही नहीं करी तो हम करेंगे क्या। तो हमने चेक कर लिया, अगर fn की वैल्यू नल थी मतलब फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, यूजर को मैसेज दो नो सच फाइल और यहीं से प्रोग्राम एग्जिट कर दो। अगर कर रहा है मतलब अगर फाइल नल नहीं है तो इफ नहीं चलेगा, प्रोग्राम आगे चला, रीड करना फाइल का सारा डेटा। अगेन फाइल के अंदर कर्सर पता नहीं कहां पर पड़ा होगा, तो हमने लगा दिया fn.cg(0) कि फाइल के अंदर कर्सर जहां मर्जी पड़ाओ डायरेक्टली कर्सर कहां पर आ गया, बिगनिंग पर आ गया, क्योंकि मुझे मेरी फाइल जो यूजर ने दी है उसका सारा डेटा रीड करना है, तो मैंने कह दिया fn.cg सारा डेटा बिगनिंग पर आ जाए कर्सर, ताकि मैं रीड करने अब जाऊं फ्रॉम द बिगनिंग डेटा रीड। अब मुझे फाइल का डेटा रीड करना है, फाइल में क्या पड़ा है, कितने बाइट्स का डेटा पड़ा है मुझे नहीं पता, हमें सिर्फ एक चीज पता होती है कि हर फाइल के एंड में जब फाइल खत्म होती है ना, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेशल कैरेक्टर वहां पर डालता है, दैट इज कॉल्ड ईओएफ, एंड ऑफ फाइल। तो मैं क्या करूंगा, बिगिनिंग पर आ चुका हूं, फाइल से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा रीड करूंगा जब तक क्या नहीं आता, एंड ऑफ फाइल नहीं आता, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता, एंड ऑफ फाइल इज अ स्पेशल कैरेक्टर विद इन अ स्काई कोड ऑफ व्हाट 26, 26 है स्काई कोड उसका, तो ये कैरेक्टर फाइल के लास्ट में बाय डिफॉल्ट होता है। तो हम इस फाइल को रीड करना शुरू कर रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टिल वी डिडंट गेट द एंड ऑफ। अब जब हमें पता है कि लूप कब तक चलना है तब तक हम कंडीशन लगाते हैं। अब मैंने यहां पर क्या लगा दिया, वाइल वन, इनफाइनाइट लूप लगा दिया। वन का मतलब क्या होता है, ट्रू, मतलब चलता रहेगा।
सो इनफाइनाइट लूप लगा दिया, चलता रहे, अंदर मैं कंडीशन लगाऊंगा कि एफ इन हमारी फाइल के पास मेथड है कॉल्ड गेट, फाइल से गेट करेगा एक कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइल से रीड कर रहा है, फाइल से एक कैरेक्टर गेट करा और उसने एक कैरेक्टर है वेरिएबल सी में क्या डाल दिया। सो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइल से डेटा रीड कर रहा है, रीड करने के बाद मैंने सबसे पहली कंडीशन लगाई कि अभी जो डेटा फाइल से रीड हुआ है क्या ये एंडो फाइल है, ईयूएफ कैपिटल में लिखना है, ये कॉन्स्टेंट डिफाइन है सी प्लस इसके बाद। सो हमने फाइल से एक कैरेक्टर रीड किया और अगर वो एंडो फाइल के बराबर था मतलब फाइल का कंटेंट खत्म हो गए तो लूप को क्या करवा दिया, ब्रेक करवा दिया। इनफाइनाइट लूप है, इनफाइनाइट लूप को रोकना जरूरी होता है। तो एफ इन डॉट गेट के थ्रू हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा फाइल से रीड करना शुरू कर दिया। जो कैरेक्टर अभी अभी फाइल से आया है पहले उसे चेक करवाया कि अगर ये एंड ऑफ फाइल आया इसका मतलब फाइल खत्म होगी, ब्रेक कर दो, और अगर ये एंड ऑफ फाइल नहीं है तो फिर बीच का कोई कैरेक्टर है, कैरेक्टर है तो मैंने कहा प्रिंट करवा। तो लॉजिक क्या लगा, फाइल से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर गेट हुआ, अगर वो एंड ऑफ फाइल था ब्रेक करके लूप से बाहर आ गए और अदरवाइज हमने कैरेक्टर को एज इट इज किया, प्रिंट करवा दिया। तो फाइल से पहला कैरेक्टर रीड हुआ, एंड ऑफ फाइल नहीं था, प्रिंट हो गया। दूसरा कैरेक्टर रीड हुआ, एंड ऑफ फाइल नहीं था, प्रिंट हो गया। सारे कैरेक्टर्स रीड होंगे जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता, जैसे ही एंड ऑफ फाइल आएगा लूप ब्रेक होके टर्मिनेट हो जाएगा और बाहर आते ही हमारा काम, हमने फाइल को क्या कर दिया, क्लोज करवा दिया। एफ इन डॉट क्लोज मेथड फाइल प्रॉपरली जो हमने ओपन करवाई थी प्रॉपरली क्लोज करवा दी, आपका प्रोग्राम खत्म। इस प्रोग्राम का काम फाइल जो भी आप दोगे उसके कैरेक्टर्स मॉनिटर पे क्या करेगा, प्रिंट ही करेगा, ठीक है ना। इस पूरे प्रोग्राम में एक्स्ट्रा हेडर फाइल जो आपको इंक्लूड करनी है वो है fstream.h, ये फाइल इंक्लूड करनी है। सो कैरेक्टर टाइप फाइल नेम साइज ऑफ 20, हमने यूजर से इनपुट करवाया, एंटर फाइल नेम सीन फाइल नेम, इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट लिया एफ इन, फाइल का नाम ओपनिंग मोड iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन, इफ एफ इन इक्वल्स टू नल, देन हमारा मैसेज था सी आउट नो सच फाइल और प्रोग्राम यहीं से एग्जिट। अदरवाइज हमारा पहला स्टेप एफ इन डॉट सी जी जीरो, कर्सर बिगनिंग ऑफ फाइल पर आ गए, इनफाइनाइट लूप लगा के हमने अपने प्रोग्राम में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइल से गेट करना है, एफ इन डॉट गेट फाइल से गेट करना शुरू कर दिया। हर कैरेक्टर इनपुट होने पर हमने कंडीशन लगाई, अगर वो एंड ऑफ फाइल था तब तो लूप को ब्रेक कर देना, लूप टर्मिनेट हो जाए, नहीं तो उसे एज इट इज क्या किया, प्रिंट करवा दिया। और सारा टास्क खत्म होने पे एफ इन डॉट क्लोज फाइल को बंद करवा दी और आपका प्रोग्राम ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रन करने पर ये हमसे एक फाइल का नाम मांगेगा, मैं फाइल 1.cpp ये डालता हूँ। किसी भी फाइल, किसी भी टेक्स्ट फाइल का नाम हम दे सकते हैं जो हमारे पास बनी बनाई पहले से पड़ी हो, या इसी फाइल का नाम अगर मैं दे दूं तो इसी के कंटेंट आ जाएंगे। फाइल 1.cpp एक फाइल का नाम देना है, आउटपुट इस फाइल के कंटेंट्स रीड करके उसे प्रिंट करना है। अगर मैं एंटर करूंगा तो क्या होगा, उस फाइल में जो लिखा था एज इट इज प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने किया क्या था, फाइल से कंटेंट रीड करो और मॉनिटर पे क्या राइट करो, किसी भी फाइल, मतलब अगर मैं वैसे ही नॉर्मली एक फाइल बना लूं यहां पर, दिस इज अ डेमो कंटेंट ऑफ अनदर फाइल और इसको मैंने नाम दे दिया sample.txt, टेक्स्ट फाइल है मेरी, ठीक है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, फाइल का नाम sample.txt देता हूं, तो जो इस फाइल में लिखा था एज इट इज क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। और इन केस अगर मैं कोई ऐसी फाइल का नाम देता हूं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जैसा कि हमने बनाई sample.txt, तो मैंने लिख दिया डबल ही लिख दिया sample.txt, अब ऐसी कोई फाइल ही नहीं है,
तो हमने प्रोग्राम में मैसेज दे रखा है नो सच फाइल, क्योंकि हम इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, नल आ जाएगा, और नल के केस हमने मैसेज दिया हुआ है नो सच वॉट फाइल। तो किसी ये प्रोग्राम फिलहाल क्या कर रहा है, किसी टेक्स्ट फाइल के कंटेंट्स को रीड करके सीआउट के थ्रू हमने उसे मॉनिटर पे गया प्रिंट करवा रखा है। हर फाइल जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाते हो, उसके लास्ट में बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा होता है, एंड ऑफ फाइल होता है। इसीलिए हमने लूप चलाया, जब तक कि एंड ऑफ फाइल नहीं आता तब तक लूप चलेगा, तब तक वो सारा डेटा प्रिंट करेगा और एंड ऑफ फाइल आने पर ब्रेक करके गया टर्मिनेट हो जाएगा। Thank you.